प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी इन सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक स्थित माधवपुर ग्राम सभा में अपने एक वर्कर के घर पहुंचे, जहां पारिवारिक जनों के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। यहां मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद मोदी ने अपने भाई और देश के पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश में डिजिटल पद्धति को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राशन बिक्री में भी अमूल परिवर्तन किया गया है, राशन बिक्री का तरीका अब बदल गया है, उनका अंगूठा लगने पर राशन मिलता है। उन्होंने कहा कि जो हवा में चलता था उसमें कंट्रोल हुआ है, लेकिन हमारी आय में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रहलाद मोदी ने कहा कि अगस्त में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर हमने मांग की थी कि 50,000 रुपये मासिक आय किया जाए, थोड़ा कुछ सरकार ने कोशिश की है, आशा करते हैं कि आय हमारी बढ़ेगी। हालांकि भाई से मिल नहीं पाने का दर्द प्रहलाद मोदी के चेहरे पर साफ झलकता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हमारा भाई जब माँ से मिलने आता है तो परिवार का कोई सदस्य आता है, माँ के सिवा कोई है। हमने स्वीकार किया है कि ब्लड का रिलेशन रहा, बाकी अब तो वो हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी, इतने लोगों ने शहीदी दी है, खाली मेरे भाई को क्यों बोलते हो, वो तो आज मुखिया है देश का, उसकी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान में 5,31,000 कोटेदारों का संगठन है। 2014 में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जी जान से मेहनत की है। देश के पंत प्रधान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देश में डिजिटल पद्धति को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कारण राशन बिक्री में भी आमूल परिवर्तन किया है। क्या आय में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं? आपको पता है कि राशन दुकानदारों का बिक्री पद्धति अब बदल गया है। अब आप राशन कार्ड होल्डर जो है उसका थंब लगेगा, उसके बाद उसको माल मिलता है, यानी कि जो हवाई में चलता था वो अब कंट्रोल में आ गया है। लेकिन भारत सरकार ने बिक्री पद्धति में बदलाव लाई है, लेकिन हमारी आय के मामले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। भगवान राम भी पर हुए थे? नहीं सर, आपके साथ नहीं आई तस्वीरें। नहीं नहीं, पूरे परिवार से कहाँ आई है? हमारा कोई भाई जब माँ को मिलने को आता है, हमारा बड़ा भाई, तो कोई परिवार का कोई सदस्य आता है? माँ के सिवा कोई है? आपके पास तस्वीर हो तो दिखाओ। शुरू में जब पहली दफे आए थे, पहली दफे जब मुख्यमंत्री बने तब मेरे छोटे भाई के बच्चे थे, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो हमने स्वीकार किया है कि भाई अब ब्लड का रिलेशन रहा है, भाई तो है ही नहीं, वो तो हिंदुस्तान का बेटा बन चुका है। सर जितेंद्र के साथ आपको भी निमंत्रण आएगा तो आप उसको मना करोगे? लेकिन सर आपकी जरूरत है, धरना देते हैं तो आप भी तो जाते? नहीं नहीं, मैं धरना देता हूँ तो मेरे राशन दुकानदारों के लिए, आवाज उठाता हूँ तो राशन दुकानों के लिए उठाता हूँ, मेरे लिए तो नहीं उठाता, मेरे परिवार के लिए नहीं उठाता हूँ। राजनीति में जाने से सब सुना जाता है, तुम्हारे कितने सदस्य आज तक भेजे, कितना सुना है, उसका कोई प्रमाण है? सबका सुनने की सुनाया जाता है, तो ऐसी सोच बदल दो। जब राम के दर्शन के लिए, राम तो अभी है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। राम मंदिर के संघर्ष में आपके 500 साल से देश की जनता पूरी लगी हुई थी, 500 साल से मुसद्दा चल रहा था, तो खाली मेरे भाई को क्यों ऐसे बोलते हो, इतने लोगों ने शहीदी बहरी है उसके पीछे, उनको लगाओ ना, ये तो आज मुखिया है देश का, उसकी जिम्मेवारी है। और साथ में मैं ये भी कह दूं कि आपने रामायण में देखा होगा
जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जो कुछ पटकथाएं हुई, उसमें हमारे समाज वालों को अन्याय किया है। लेकिन अभी न्याय मिला है। जब हनुमान जी लंका गए थे, लंका जलाई जी, तो जलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो उस टाइम था नहीं, वो तो तेल था। और तेल कहाँ से आया? हमारे समाज वालों ने बनाया तेल, हम तेल ही है। ये तो हमें लंका जलाने में तेल ही का थी। और ये भूमिका के कारण रावण का मनोदशा डाउन हुआ, और इसी के कारण राम विजयी हुए, और इसका अधिकार जो है वो तेलियों को मिलना चाहिए, नरेंद्र भाई ने प्रस्तावित कर दिया। और सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।